क्या सच में किसका किस्सा कांक्षा पुरी के लिए फायदेमंद रहा? बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार इतनी खुलेआम किस हुई 30 सेकंड्स के लिए, मतलब आप इसको स्मूच कह सकते हैं। और उसके बावजूद सोशल मीडिया पर जो डिस्कशन हुआ उसका रिजल्ट ये निकला कि आकांक्षा पुरी की वोट्स में बढ़ोतरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, आकांक्षा पुरी पहले बिग बॉस OTT सीजन 2 के घर में काफी कम वोट्स के साथ सरवाइव कर रही थी। कई सारे यूजर्स का कहना था कि आकांक्षा का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है घर में, लेकिन जैसे उन्होंने जात को किस किया उसके बाद डिस्कशन हुआ। एक तरफ के लोगों ने कहा कि भाई आकांक्षा ठीक थी, उन्होंने सिर्फ एक टास्क कंप्लीट किया, तो वहीं दूसरे तरफ के लोगों ने कहा कि आकांक्षा तो है ही ठरकी, उन्होंने तो उल्लू सीरीज में भी काम किया है। लेकिन 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 इस डिस्कशन के बीच कहीं ना कहीं आकांक्षा के वोट्स बढ़ चुके हैं। जी हाँ, क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में खुलासा हुआ है कि आकांक्षा पुरी एज ऑफ नाउ नंबर 3 पर है बिकॉज ऑफ दिस किसका किस्सा। और वहीं अगर बात करें जात की, तो भाई उनको तो इतना ट्रोल किया जा रहा है, हर कोई बोल रहा है कि जात सच में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, पहले किस कर लिया फिर उस लड़की के लिए बोल रहे हैं कि शी इज अ बैड किसर, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ पूजा भट्ट कि उन्होंने एटलीस्ट आकांक्षा के लिए स्टैंड लिया। बाकी सब तो हंस रहे थे और जात और अविनाश तो बॉयज टॉक कहकर आकांक्षा की हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में जिया शंकर भी किसी से पीछे नहीं है, इनफैक्ट आकांक्षा पुरी से आगे हैं। जी हाँ, एज ऑफ नाउ फुकरा इंसान जो है सबसे ज्यादा वोट्स के साथ लीड कर रहे हैं, सेकंड नंबर पर हैं जिया शंकर और थर्ड नंबर पर अब पहुंच चुकी हैं आकांक्षा पुरी। तो नाउ इट्स लाइक अभिषेक मल्हान वर्सेस जिया शंकर वर्सेस आकांक्षा पुरी। हालांकि अगर हम फुकरा इंसान की बात करें तो उनका तो अलग ही ट्रैक है, आप कह सकते हैं कि 80% वोट्स तो केवल अभिषेक को ही आ रहे हैं और बाकी के 20% में ये सारे घर वाले हैं, क्योंकि लिटरली उनको इतने सारे वोट्स मिल रहे हैं कि ऑलरेडी कई सारे लोगों ने उनको विनर घोषित कर भी दिया है। इसका मतलब ये है कि अभिषेक के वोट्स के बारे में डिस्कशन करना ही गलत है, क्योंकि लिटरली क्लियरली वो सबसे ज्यादा वोट्स पा रहे हैं बिग बॉस OTT सीजन 2 के घर में, शायद इसलिए बिग बॉस उनको निकाल भी नहीं पा रहे। हालांकि सपोर्ट बहुत तगड़ा है, लेकिन देखते हैं कि ये ट्रैक कहां तक जाता है, क्योंकि आज है सैटरडे, आज है वीकेंड का वार, आज आएंगे सलमान खान और किसकी लगाएंगे क्लास, कौन कौन से मुद्दों पर करने वाले हैं बात, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि आकांक्षा और जात की किस वाली चीज पर तो बात होंगी ही होंगी, लेकिन क्या बात होंगी, किसकी गलती सलमान बताएंगे, क्या बाहर का या अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सलमान खान ने जो जो बोला है उसके बाद सलमान का जो वर्डिक्ट है इस चीज पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।